हेलो वेलकम मेरी मैथमेजिशियंस, क्या हाल है बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया हो। मुझे थोड़ा सा मिस कर रहे होगे, मैं तो आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। सो हाय गाइस, आई एम सना खान, योर मैथ्स मास्टर टीचर फ्रॉम वेदांतो। सो बच्चों, आज मैं आई हूँ लेके आप लोगों के लिए अनदर स्टोरी विथ योर सना मैम। सो आर यू गाइस एक्साइटेड एक नई स्टोरी जानने के लिए? टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की स्टोरी किसके बारे में है। आज की स्टोरी है इस बारे में कि ऑल वेल दैट एंड्स वेल। सो सब कुछ अच्छा होता है, क्या बोलते हैं, जब अंत भला तो सब भला। तो आज हम जानेंगे अंत भला तो सब भला की स्टोरी, ठीक है बच्चों? सो गेट रेडी गाइज एक प्यारी सी स्टोरी सुनने के लिए। इसमें कई सारे मॉरल छुपे हुए हैं, चलो देखते हैं कि वो क्या क्या हैं, ठीक है बच्चों? सो आज मैं सुनाने वाली हूँ स्टोरी आप लोगों को एंड्रयू के बारे में। एंड्रयू जो था वो एक स्लेव था, एक राजा ने उसे बंदी बना के रखा था और दिन रात उसे काम करवाता था, और ऐसे ही कई सारे लोगों को उस राजा ने स्लेव बना के रखा था अपना। तो एंड्रयू बेचारा उसकी मार खाते खाते, परेशान होते होते थक चुका था, और वो बस चाहता था कि किसी तरह मैं इस कैद से अगर छूट जाऊं, किसी तरह अगर मैं यहाँ से भाग जाऊं तो ये जुल्म मुझ पे ख़त्म हो जाए। एंड्रयू हर दिन दुआ करता था कि ऐ ऊपर वाले, मुझे कोई तो मौका दे दे कि मैं भाग जाऊं इस जगह से, इस जहन्नुम से, इस नर्क से, जहाँ हर रोज़ मुझे मारा पीटा जाता है, ना ढंग का खाना दिया जाता है, इतना ज़बरदस्ती का काम करवाया जाता है, बहुत ही बुरी तरीके से रखा जाता है। तो एंड्रयू हर दिन सोचता था, कोशिश करता था कि किसी तरीके से मैं यहाँ से भाग जाऊँ। फिर एक दिन क्या हुआ बच्चों, एक दिन एंड्रयू को मौका मिल गया वहाँ से भागने का। तो एंड्रयू फटाफट निकला और उसने ना आगे देखा ना पीछे, बस वो भागता गया एक जंगल में पहुँच गया। जंगल में भी वो अंदर जाता गया और फिर थक हार के जब वो एक जगह रुका तो उसने क्या सुना, उसने पीछे से एक शेर की दहाड़ सुनी। ओ हो, तो अब तो एंड्रयू की हालत पतली हो गई, उसे तो पसीने छूटने लगे। उसने सोचा कि कहां मैं एक कैद से भाग के आजाद हो पाया था इतनी मुश्किलों से, और अब मेरे सामने एक शेर आके खड़ा हो गया, अब तो लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया। तो एंड्रयू बेचारा बड़ा हैरान परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। तभी उसने देखा कि जो शेर था वो धीरे 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 उसके पास आया और उसने अपना हाथ आगे कर दिया। तो एंड्रयू ने क्या देखा कि उस शेर के हाथ में एक कील चुभी हुई थी और उसका खून बह रहा था और बहुत दर्द में था वो बेचारा शेर। तो उस शेर ने कुछ नहीं किया, उसको बस अपना हाथ दिखाया। तो एंड्रयू ने बड़ी हिम्मत की और उसने किसी तरीके से उस कील को उस शेर के हाथ से निकाल दिया ताकि उस शेर को थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो फिर क्या हुआ, फिर वो शेर ने एंड्रयू को कुछ नहीं किया, वो पलट के वापस जंगल में चला गया और एंड्रयू को ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे तो आप लोग जानते हो कि शेर तो होते हैं जंगली खूंखार, वो तो आदमखोर भी होते हैं, यानी वो इंसानों को भी खा जाते हैं। पर उसने देखा कि कैसे उस इंसान ने उसकी मदद की, उसकी सहायता की, तो उसने उस इंसान को जाने दिया। पर फिर क्या हुआ बच्चों, फिर बेचारा एंड्रयू गलती से वापस पकड़ा गया। जब उस राजा को पता चला कि एंड्रयू भाग गया, उसने चारों तरफ सिपाहियों को भेज दिया उसको ढूंढने के लिए, और उन सिपाहियों ने उस एंड्रयू को वापस ढूंढ निकाला और फिर से कारगार जेल में बंद कर दिया। वो बेचारा फिर से स्लेव बन गया, बंद हो गया, और ना से वापस स्लेव बन गया। राजा जो था वो एंड्रयू से बहुत नाराज हुआ, उसने कहा कि इसने मेरा तोड़ा है रूल, इसने मेरे महल से भागने की कोशिश की, इसे तो अब पनिशमेंट मिलेगी, इसे तो अब सजा मिलेगी। तो राजा बहुत नाराज हुआ एंड्रयू से, और रोमन
एम्पायर में एक रूल था, एक बहुत चलन था उस टाइम पे कि जब भी ऐसा कोई इंसान होता था ना जो राजा की मर्जी के खिलाफ जाता था, तो राजा उसको शेर के आगे फेंक देता था एक एरिना में। तो वहाँ रोमन एम्पायर में बड़े बड़े एरिना होते थे जहाँ ऊपर खड़े होकर लोग देखते थे, और एक बहुत ही भूखे शेर को कई दिन भूखा रखा जाता है ताकि उसके अंदर बहुत तड़प पैदा हो जाए किसी को खाने के लिए, और फिर उस शेर को उस आदमी के साथ छोड़ दिया जाता है जंग करने के लिए कि आदमी जीतेगा या शेर। और जाहिर सी बात है, किसी आदमी की क्या औकात कि वो एक शेर से जीत जाए, वो भी भूखा शेर जो तड़प रहा है खाना खाने के लिए। तो रोमन एम्पायर में कई बार ऐसा होता था। बेचारे एंड्रू के साथ भी यही हुआ कि उसे भेज दिया गया उस शेर के आगे उससे लड़ाई करने के लिए था उसकी सजा के रूप में। लेकिन फिर क्या हुआ, वो शेर धीरे धीरे चलता हुआ आया एंड्रू के पास और वो रुक गया। उसने उसे थोड़ी देर देखा, फिर वो आके उसके कदमों में बैठ गया। सारी जनता हैरान परेशान, उसने देखा कि हाय ये क्या हो गया, शेर इतना भूखा और उसने आदमी को छोड़ दिया और तो और उसके कदमों में जाके बैठ गया, ये क्या चक्कर है भाई। फिर एंड्रू ने जब गौर से उसे देखा तो उसे पता चला कि ओफो, ये तो वही शेर है जिसकी जान मैंने बचाई थी, जिसके पैर से मैंने बड़ा सा कील निकाला था, ये तो वही है। और आज देखो उस शेर को याद है कि मैंने उसके तरफ कोई थोड़ी सी काइंडनेस दिखाई दी और आज उसके बदले ने मेरी जान बख्श दी। फिर एंड्रू ने उस शेर को गले लगा दिया, उस शेर ने भी उसे प्यार से उसके पास बैठा रहा, और पूरी जनता हैरान परेशान, राजा इतना हैरान कि ये क्या चक्कर है भाई, ये तो बच गया और शेर ने इसे कुछ भी नहीं किया, मतलब ये कुछ तो महान इंसान है। तो राजा ने सोचा मैं इसे माफ कर देता हूँ, जब शेर ने इसे बख्श दिया तो मैं कौन होता हूँ इसे सजा देने वाला। तो राजा ने एंड्रू की सजा माफ कर दी और उसे फ्री कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। तो एंड्रू एक फ्री इंसान बन गया, वो अब किसी का स्लेव नहीं रहा और वो खुशी खुशी आगे जीने लगा अपनी लाइफ को। तो बच्चों आपने देखा, शुरू में हमारी लाइफ में कितनी ही कठिनाइयां, कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम हिम्मत से उसका मुकाबला करने की कोशिश करें तो अंत में सब भला हो ही जाता है। तो इसी को कहते हैं बच्चों ऑल वेल दैट एंड्स वेल। आपकी ज़िंदगी में आपने जो कुछ भी झेला है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर अंत हमारा अच्छा हो जाए, है कि नहीं बच्चों। तो ये थी छोटी सी कहानी, अंत भला तो सब भला की। आप लोग भी अपनी स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा कि कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही हो, बड़ी मुश्किलें आ रही हों, लेकिन अंत में आपने पूरी दौरान जब आपने हिम्मत रखी तो अंत में सब अच्छा हो गया और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा निकल के आया। अगर ऐसा आपकी लाइफ में हुआ होगा तो ज़रूर अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करिएगा, मैं भी सुनना चाहूँगी। ठीक है बच्चों, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी स्टोरी। आज की मेरी स्टोरी बस इतनी सी थी। सो हमेशा हमेशा बच्चों हमें सीख क्या मिली, एक तो कभी भी किसी की सहायता करने से पीछे मत हटना, कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटना, और दूसरा हमेशा हिम्मत से काम लेना, अंत में सब अच्छा हो ही जाता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच पीपल क्लास अटेंड करने के लिए। कल मैं फिर आऊंगी आप लोगों से मिलने के लिए, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।